नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉइजी में। और हम सभी लोगों ने एक्ट ऑफ गॉड यानी लॉ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है एक्ट ऑफ गॉड, जिसे विश मेजर भी कहा जाता है अथवा देवीय कृत्य भी कहा जाता है। इस टर्म से हमारा कभी ना कभी इनकाउंटर हुआ ही होगा। हम अनेक केसेस देखते हैं, भले वो क्लेम का केस हो, टॉर्चर्स लाइबिलिटी के केसेस हो, मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस हो, इंश्योरेंस के केसेस हो, इसमें ये एक्ट ऑफ गॉड वाला प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ये एक प्रकार का डिफेंस होता है, जनरली एक प्रकार का एक्सेप्शन होता है जो नॉर्मली डिफेंडेंट लेता है। डिफेंडेंट मतलब प्रतिवादी द्वारा लिया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्ट ऑफ गॉड के बारे में समझेंगे कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, देवीय कृत्य किसे कहते हैं या विश मेजर क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्ट ऑफ गॉड लीगल डिफेंस, ये एक प्रकार का लीगल डिफेंस है। देवीय कृत्य एक कानूनी बचाव। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जो लॉ है, जो कानून है, ये कानून हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। तो लॉ इज मेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। तो कानून अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन अनेक बार अधिकारों का वायलेशन व्यक्ति करता रहता है, लोगों के हितों में टकराव होता है समाज में। देर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के टकराव होते हैं, हितों के टकराव होते हैं, और अनेक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का वायलेशन करता है। तो यहाँ पर दो पार्टी होती है, एक व्यक्ति होता है विक्टिम जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, और एक व्यक्ति होता है रॉन्ग डूअर जिसने दूसरे के अधिकारों का हनन किया है, उल्लंघन किया है या अनड्यू लाभ प्राप्त किया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो विक्टिम है, ये प्लेंटिव बनकर यानी वादी बनकर केस लगा सकता है उस प्रतिवादी के खिलाफ जिसने उसके अधिकारों का हनन किया है। तो इसके लिए रेमेडी कानून देता है। तो कानून द्वारा रेमेडी दी जाती है, उपचार दिया जाता है, व्यक्ति को कॉम्पनसेशन क्षतिपूर्ति वगैरह दी जाती है। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये एक प्रकार का डिफेंस होता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए एक पड़ोसी है, एक नेबर है, और वो पड़ोसी जो है अपना कचरा जो है, गुड्स या कचरा जो भी है, गार्बेज वगैरह है, वो बी के पास उसके चले जाते हैं, जिसकी वजह से बी को नुकसान होता है। तो यहां पर ए रॉन्ग डूअर है और बी जो है, सॉरी ए बी रॉन्ग डूअर है और ए प्लेंटिव होगा जिसको बी द्वारा मुआवजा कानून दिलवाएगा। लेकिन मान लीजिए यही कचरा, यही जो गुड्स है, ये तूफान, आंधी तूफान की वजह से चले गए, तो यहां पर ए लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो कचरा गया है वो एक्ट ऑफ गॉड से गया। एक्ट ऑफ गॉड मतलब आंधी तूफान किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होते। एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए ए गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाते समय बी को इंजुरी कॉज कर देता है, तो यहां पर ए को मुआवजा देना पड़ेगा बी को, क्योंकि ए ने बी के अधिकारों का वायलेशन किया। किंतु यहां पर मान लीजिए ए की गाड़ी पार्क है और कोई जोर से बाढ़ आती है, भूकंप आता है, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी से बी को नुकसान पहुंच जाता है, यहां पर एक लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है, जो बाढ़ आई है, भूकंप आया है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब देवीय कृत्य जो उसके कंट्रोल में नहीं था। तो देवीय कृत्य एक प्रकार की ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी नेचुरल कलामिटी होती है, प्राकृतिक आपदा विपदा होती है, जिसके लिए व्यक्ति जवाबदार नहीं होता है, क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं किया, उसके कंट्रोल में नहीं था, और वो उसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकता था, सोचा नहीं जा सकता था कि ऐसी भी घटना हो सकती है। तो ये है मित्रों एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड को हम देवीय कृत्य कहते हैं। ये एक प्रकार का डिफेंस होता है कानून में, जो डिफेंडेंट द्वारा लिया जाता है। डिफेंस का मतलब होता है एक बचाव होता है जो डिफेंडेंट लेता है। और ये टॉर्ट के केसेस में, क्लेम केसेस में, मोटर व्हीकल एक्ट में, इंश्योरेंस के केसेस में इसका अधिकतर उपयोग होता है। अब एक्ट ऑफ गॉड की बात करें तो इसको विश मेजर भी कहा जाता है। विश मेजर एक लैटिन भाषा का शब्द है, विश मेजर से ही एक्ट ऑफ गॉड इंग्लिश में बना है। एक्ट ऑफ गॉड तब लागू होता है जब व्यक्ति के नियंत्रण में घटना नहीं होनी चाहिए, यानी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है घटना पर, और ये घटना नेचुरली होनी चाहिए, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से हुई है, तो इसको नेचुरल कैलामिटी यानी प्राकृतिक आपदा विपदा भी कह सकते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं हेवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा हो जाना, भारी वर्षा हमारे हाथ में नहीं होती है, फ्लड, उस वर्षा की वजह से फ्लड हो जाना, फ्लड यानी भूकंप, बाढ़ आ जाना, देन स्ट्राइकिंग, बिजली का चमकना, अर्थक्वेकिंग, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आ जाना, या स्टॉर्म यानी आंधी तूफान हो जाना। तो ये सारी घटनाएं नेचुरल कैलामिटी में आती है और इसी को एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। तो इस प्रकार एक्ट ऑफ गॉड ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, नो इंटरवेंशन, जिसमें व्यक्ति का कोई उसमें इंटरवेंशन नहीं होता है, दखलअंदाजी नहीं होती, हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ऐसी घटनाएं जो टाली ना जा सके, जिसके बारे में सोचा ना जा सके, और जो पूरी की पूरी प्रकृति पर आधारित होती है। तो नो फोरकास्टिंग, जिसके बारे में फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, इसका एक इंपॉर्टेंट लीडिंग केस लॉ है जिसका नाम है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इस निकोलस मार्शलैंड में डिफेंडेंट की आर्टिफिशियल लैक थी, यानी उसके कुछ तालाब था, पानी इकट्ठा था, और इस तालाब के पानी से बहुत जोर से कुछ नेचुरल, बहुत ज़्यादा हैवी
रेनफॉल हुआ, अर्थक्वेक वगैरह आया, जिसकी वजह से इसका जो जो रिजर्वायर था, मतलब जो पानी था, उसकी वजह से प्लेंटिव का जो ब्रिज है, मतलब जो पुल था, वो टूट जाता है। इसको न्यायालय ने एक्ट ऑफ गॉड माना और डिफेंडेंट को एक अच्छा डिफेंस दिया, यानी एक्ट ऑफ गॉड मानते हुए डिफेंडेंट को अपनी लायबिलिटी से मुक्त माना गया। तो ये है मित्रों एक्ट ऑफ गॉड, जिसे हम विस मेजर भी कहते हैं और इसे हम देवीय कृत्य भी कहते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।